जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के प्राइमरी और जूनियर की विविध के महामैराथन सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और साथ ही साथ वे प्रमुख लोक कलाएं, जहां से आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की वीडियो की सीरीज आपके जीवन की एक ऐतिहासिक सीरीज होगी। यह वीडियो आप अगर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको भविष्य में सरकारी नौकरी करनी है, यह वीडियो आपको रामबाण का काम करेगा और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ एक कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य होंगे ऐसे जो आपको लिखना पड़ेगा, जो आपको नोट डाउन करते हुए चलना पड़ेगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो डिस्प्ले पर आपको जो प्रश्न दिख रहा है उसी तरह से आपको एक मजेदार प्रश्नों की सीरीज मिलेगी जो आजकल के भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के हमें क्लास की शुरुआत करनी चाहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव निःशुल्क एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन उससे भी बड़ी बात, आज आपकी विविध की सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगली सीरीज कल से पुनः प्रारंभ होगी। तो आप सभी साथी उसमें जुड़े रहिएगा। कल एक नई सीरीज का आगाज होगा। आज आपका आखिरी लेक्चर होगा विविध के सेशन का। तो मुझे लग रहा है आप काफी तैयार होंगे पहले से। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? जो साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो केवल अकेले किया जाता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जवाब देंगे गलत या सही, क्योंकि आपके जवाब यह बताते हैं कि आप सिलेक्शन के कितने नजदीक हैं। तो फटाफट कमेंट करिए सभी साथियों को, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार आएंगे और आपको हूबहू उत्तर देना है। जी हाँ साथी, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, मोहिनीअट्टम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया था उनका जवाब सही है, क्योंकि मोहिनीअट्टम केरल का एकल नृत्य है। कहां का ध्यान दीजिएगा, यह नृत्य कहां का है? केरल का एकल नृत्य है। कैसा नृत्य है? एकल माने यहाँ केरल के लोग हैं वो कौन सा नृत्य कहते हैं? एकल नृत्य कहते हैं। अगर कुचिपुड़ी पूछेगा तो ये आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक बात याद रखिएगा, अगर निम्नलिखित में से पूछ दे, जी हाँ साथियों सभी ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे पूछ दे कि कौन सा नृत्य देवताओं को समर्पित है, तो भैया कुचिपुड़ी माने कच्ची पुड़ी भगवान को चढ़ती है। तो ये कुचिपुड़ी है ये भगवान को समर्पित है। किसको? भगवान को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा, समर्पित नृत्य कौन सी? भगवान को। कुचिपुड़ी है। अब ध्यान से देखिएगा, ओडिसी, ओडिसी कहाँ की है? ओडिशा की है। जी हाँ साथियों, ये कहाँ की है? ये नृत्य ओडिशा की है। जबकि भरतनाट्यम कहाँ की है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे भरतनाट्यम कहाँ का है? जी हाँ, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है। मजा आ गया आज की क्लास में, क्योंकि ऐसे ही लोग सिलेक्शन लेंगे, ऐसे ही लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे और सरकारी शिक्षक बनेंगे। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे। ध्यान दीजिएगा, जी हाँ बहुत अच्छा लगा कि इसमें हमने चारों विकल्प को व्याख्या कर दिया और इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न आ ही नहीं सकता कि अकेले नृत्य जो किया जाता है वो मोहिनीअट्टम किया जाता है, और यह केरल का नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वो क्या है? कुचिपुड़ी है। जी हाँ, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है वह भी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जी हाँ साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग प्रश्न का जवाब दीजिएगा और आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक करने के बाद सबसे पहले सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके जीवन की ऐतिहासिक वीडियो होगी और ये विविध की आखिरी वीडियो है, और आप चाहते हैं मैं अगली क्लास को और बेहतर शुरू करूं तो पहुंचा दीजिए, आग लगा दीजिए आज की क्लास को और दिखा दीजिए कि सिलेक्शन कैसे मिलता है। जी हाँ, लोगों को बताइए सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, ऐसे इतनी आसानी सिलेक्शन आपको नहीं मिलता, ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न आपको पढ़ने पड़ते हैं जो परीक्षा में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी नहीं करिए, जवाब दीजिए कि कुचिपुड़ी जो है ये कहां की है? ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम। जी हाँ, सेम प्रश्न है, केवल प्रश्न का तरीका बदल रहा है। ओडिशा का कौन सी है? ओडिशी नृत्य है। जी हाँ, यहाँ का अगर नृत्य पूछ दे तो कौन सी है? ओडिशी यहाँ की नृत्य है। केरल की कौन सी है? ऊपर पूछा था मोहिनीअट्टम। कौन सा है? मोहिनी
कहाँ की है? केरल की, एकल नृत्य है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह एश का राइट आंसर है। जी हाँ साथियों, आज संख्या आपको 1000 के पार पहुंचानी है ताकि कल से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करें। जी हाँ, एक नई सीरीज कल से शिक्षक भर्ती की शुरू होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच, चंद नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जरा बताइए कमेंट करके। यहाँ पे एक विकल्प आपका ज्यादा आ गया है, इसको छोड़ दीजिएगा। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। चंग जो है वो शेखावटी का है, इसलिए हम इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत डीप का प्रश्न था। जी हाँ, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ साथियों, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैप बनाऊंगा और मैं ये चाहूंगा कि यह मैप आपको काफी मदद करेगा आपको अध्ययन में, अध्यापन में और समझाने में, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए यह वीडियो आपके लिए रामबाण का काम करने जा रहा है। तो भैया सभी लोग फटाफट बताइए, कथक, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो प्रश्न आता है, एक कथक आता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो केरल में होता है वो कथक, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, कथक कली, ये होता है कथक कली। लेकिन उत्तर भारत का पूछेगा तो कथक होगा, इसका क्या होगा, कथक होगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का पूछता तो कथक होता, लेकिन कथक कली जो है वो केरल की है, याद रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। कोई भी गलती मत करिएगा, एकदम रट्टा मार दीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एकदम यकीन मानिए, क्योंकि यहां से बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। नित्य से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हम आपको निःशुल्क क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे लेकर आते हैं। सभी लोग जुड़े रहिएगा, लोगों को बताइए, यहाँ पे बताइए कि उत्तर भारत का है। जी हाँ, जैसे अगर यूपी दे देता तो यूपी भी इसका उत्तर होता। यूपी में कथक है, केरल में कथक कली है। जी हाँ, कथक कली है, मोहिनीअट्टम है, वो कहाँ की है, वो केरल की है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें। अगला प्रश्न है, यक्षण कहाँ का लोक नाटक है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। यक्षण कहाँ का लोक नृत्य है? कमेंट करते रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत से हम आपको पढ़ा रहे हैं, बार बार मुझे कहना पड़ता है शेयर करने के लिए, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप इस मेहनत का प्रतिफल लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, माना ये हमारा भारत है, काम चलो मैंने भारत बना दिया, इसके हाथ लंबे कर दिए हमने केरल को तानकर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्षण के बारे में बता दूं। जी हां साथियों, सभी साथी फटाफट, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए बताइए, कहते हैं शेयर करने के लिए। यह क्षण कहां का लोक नाटक है? ध्यान दीजिएगा, यह क्षण क्या है, पहले इसकी खास विशेषता है, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये रामायण, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये रामायण, ये आपका रामायण महाभारत के जो पात्र होते, जैसे जो रामलीला नहीं होता आपका, ये रामलीला के भांति होता है। यहाँ एक नाटक होता है, यहाँ पे भगवत पुराण, रामायण महाभारत भगवत पुराण, भगवत पुराण, इन सभी के जो लोक नृत्य होते हैं, जो देवताओं के लोक नृत्य होते हैं, इन सभी को क्या कहते हैं, लयबद्ध सस्वर, ये गद्य पद के रूप में संवाद किया जाता है। और यह आपके कर्नाटक राज्य का है, ये कहाँ का है, ये आपके इस राज्य का है, ये कर्नाटक में क्या होता है, ये क्षण कहते हैं। इसमें रामायण महाभारत भगवत पुराण, इन सभी की जो लोक शैलियां थी, उसमें गाकर हंसकर अनुसरण कर शुद्ध लय के द्वारा पद्यांश के रूप में, संवाद के रूप में गाया जाता है। और यह परीक्षा में जब पूछेगा तो बहुत लोग गलती करेंगे, क्योंकि अगर पूछ दिया यह क्षण में किसकी महाभक्ता होती है, तो रामायण को पाठन होता है, महाभारत का पाठन होता है, इनका संवाद होता है, सस्वर होता है और भगवत पुराण का होता है। जी हां साथियों, सभी लोग, जितने भी सरकारी अध्यापक अध्यापिका, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा सभी साथी, क्योंकि यह क्षण जो है वो कर्नाटक का है, असम का बिहू है, असम का कोई पूछा तो बिहू है, ठीक है, गुजरात का, महाराष्ट्र का, आगे बताएंगे, गुजरात का लावड़ी है, महाराष्ट्र का लावड़ी है और गुजरात का भी आगे बताएंगे गरबा है, हम सभी को बताएंगे एक एक प्रश्न को। जी गुजरात का गरबा आपने सुना होगा, अब महाराष्ट्र का लावड़ी काफी प्रसिद्ध है, दही हांडी भी यहाँ का है
और असम की बिहू और कर्नाटक का यक्षण है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लिख लीजिएगा सभी साथी, लिख लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कर्नाटक में गलियों में निकलने वाले जुलूस जिसमें बांस के बने दैत्याकार गुड़ियों के साथ लोग नृत्य प्रदर्शित करते हैं, क्या कहते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी। पंजाब का भांगड़ा गिद्धा सही जवाब है। जी हाँ, आप लोग बताइए, दैत्याकार गुड़िया जुलूस में बांस के बने, जी हाँ, ये डोडाट्टा, डोडाट्टा आप नाम सुनकर जान जाएंगे, कर्नाटक में ऐसे ही नाम आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जवाब ए होगा। ए वालों ने एकदम सही जवाब दिया है, क्योंकि आज की सीरीज में हम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आए और आपसे गलत हो जाए, हम हर उस प्रश्न को करा देंगे ताकि एक भी डाउट ना रह जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्नाटक को लोक रंगभूमि है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सी है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए कर्नाटक के ये वीडियो फेसबुक पेज लेनी बुद्रगेश यूट्यूब पर लाइव चल रही है। जी हाँ, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और मैं ये चाहूंगा इस मेहनत का प्रतिफल मिले। ये आज की आखिरी सीरीज है, कल से एक नई सीरीज शुरू होगी, आपकी संख्या जितनी बेहतर रहेगी हम उतनी मेहनत तरीके से पढ़ाएंगे, एनर्जेटिक हम होंगे, मुझे भी लगेगा कि यार इतनी अच्छी संख्या है। कर्नाटक की लोक भूमि क्या है, हम आइए ध्यान देते हैं कर्नाटक, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगर मैप में देखना है कर्नाटक को, तो आइए हम आपको मैप में दिखा देते हैं कर्नाटक, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, आपको सिलेक्शन दिलाना, उसके लिए हम हर वो प्रयास करेंगे, हम क्या करेंगे हर वो थोड़ा सा ये देखिए मैप में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, ये देखिए तो ये कर्नाटक, देखिए ये क्षेत्र है, नीचे केरल है आपका, तो ये क्षेत्र आपका कर्नाटक है। अब इस कर्नाटक की बात हो रही है तो भैया 1000 से ऊपर पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन सा है, पहला यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का, सभी साथी लोगों ने बताया यक्षगान, लेकिन उसके बाद भी है कुनीता, लिख लीजिएगा यहाँ का है कुनीता, बहुत इंपॉर्टेंट। एक पूछा जाता है भूत कोला, कोका कोला सुना आपने ना, भूत कोला, तो भूत कोला कहाँ का है, ये कर्नाटक का है। जी हाँ, करगा ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। यक्षगान, यक्षगान कहाँ का, कर्नाटक का। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, जितने लोगों को सिलेक्शन लेना है उन सभी को याद रखिएगा, भूतकोला, करगा, कुनीता, यक्षगान, ये सभी कहाँ के, सभी कर्नाटक के हैं। जी हाँ साथियों, एकदम एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, पिछली भर्ती में आया था यक्षगान, मैंने आपसे कहा ना, इस बात की गारंटी है कि इसके बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर फंस जाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा आप लोग हर प्रश्न का। कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, कौन सा लोक नृत्य है कमेंट करिएगा सभी साथी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे भले शेयर ना करें, लाइक भले ना करें, जवाब जरूर देंगे, गलत या सही। बारे साथियों, बारे दोस्तों, बारे भावी शिक्षक, बहुत ही मजा आ रहा है आपकी क्लास में, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में फिक्स है। देखिए कुछ लोग गरबा बता रहे हैं, भैया जो गरबा है वो कहाँ का है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है बताइए कमेंट करके, गरबा कहाँ का है। कुछ लोग झूमर बता रहे हैं, झूमर भी है, नौटंकी भी है, नौटंकी कहाँ की है। देखिए नौटंकी कर बात किया जाए तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, गरबा गुजरात का है, झूमर कहाँ का है बताइए। हाँ, यहां पर पूछा राजस्थान का, तो ये घूमर झूमर दोनों है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर घूमर होगा, झूमर कोई नृत्य नहीं, इसी को झूमर कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी इसका राइट आंसर होगा। घूमर को ही झूमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश की है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, भैया क्लियर होना चाहिए, बी प्रश्न का सही जवाब है, बी वालों का राइट आंसर है, ठीक है। झूमर झारखंड की है, चलिए हम आगे देखते हैं, झूमर झारखंड की है, किसी ने कहा झूमर झारखंड की है, हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कौन सा सही है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तीन गलत है और एक सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे। देखिए
कह रहा है भरतनाट्यम, तो भैया भरतनाट्यम कहाँ का है आपको याद होना चाहिए, आंध्र प्रदेश का नहीं है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको चयनित होना है, तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत का है, खासकर जैसे यूपी हुआ, एमपी का हुआ, बिहार का हुआ, ठीक है, ये किसी में से कोई एक भी देगा तभी मान लेंगे। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो साथी देख रहे हैं वीडियो को फटाफट कमेंट करें, एक ही विकल्प यहाँ पे सही है, उसका नाम क्या है, सी कथकली केरल की है, कथक उत्तर भारत का है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक, सभी को समझ में आ गया। देखिए यहां पे कंफ्यूजन था कथक और कथकली को लेकर, मैंने ऊपर भी कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया, मैंने यहां भी कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया, मुझे आपको वो पढ़ाना है जो सीधे परीक्षा में आता है, उसके बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है। जी हाँ, शेयर कर दीजिए यार, बार बार मुझे क्यों कहना पड़ रहा है, लाइक कर दीजिए, पैसा नहीं लगेगा, बताइए इतने लोग लाइव देख रहे लाइक नहीं कर रहे हैं, यार इतनी मेहनत हम करते हैं, आप लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए यार कि अगला इतना मेहनत कर रहा है, अपना टाइम निकाल रहा है इसके पहले। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है, संगीत नाटक अकादमी देश में नित्य नाटक संगीत के विकास संवर्धन करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, विविध का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ये जौनपुर जनपद से क्लास चलती है जो पूरी तरह से आपको निःशुल्क चलती है, ये फ्री क्लास है, 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिए कल की सीरीज के लिए, 9:30 बजे एकदम रट्टा मार दीजिएगा। संगीत नाटक अकादमी देश में नित्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है, इसकी स्थापना हुई थी, फटाफट साथी कमेंट करेंगे। जी हाँ साथियों, कब हुई थी, देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर क्या होगा, देश में नृत्य नाटक एवं संगीत विकास के संवर्धन के लिए एक नाटक अकादमी 1953 में एक नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। अकादमी द्वारा नृत्य प्रदर्शन देने के लिए दो केंद्र बनाए गए थे। अगर हम पहले केंद्र की बात करें तो कथक केंद्र था, क्या था, कथक केंद्र था, पहला क्या था, कथक केंद्र था, ये कहां पे बनाई गई थी, ये दिल्ली में, कहां पे, कथक उत्तर भारत का है इसलिए दिल्ली बनाई गई थी, क्लियर हुआ यहां तक। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ये कहां बनाया गया था, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, कौन सा, मणिपुर नृत्य अकादमी, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये कहाँ कब बनाया था, ये इम्फाल में, कब, इम्फाल में, ठीक। लेकिन इसके बाद 1954 ललित कला अकादमी साहित्य की स्थापना की कब, 1954 में ललित कला अकादमी, क्लियर हो गया, ये ललित कला अकादमी 1954 में आया और लेकिन 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का जिसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर यहाँ पे 3 बिंदी होगा, उस पर क्लिक करिएगा, क्वालिटी को बढ़ाकर 720p कर दीजिएगा, एकदम साफ HD चल रहा होगा आपकी वीडियो, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा, या तो कॉपी कलम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए अगला प्रश्न है, पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, डेली क्लास लिंक के लिए टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक इंस्टा ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश, पूरी तरह से फ्री क्लास है, सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, जरूर से सभी क्लास की लिंक आपको एक जगह मिल जाएगी। पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे, ललित कला यहाँ पर चंडीगढ़ में है। डिस प्रश्न का राइट आंसर है, आपका समय कीमती है इसलिए हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यार आप लोग 1000 से ऊपर संख्या नहीं पहुंचा सकते क्या, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जितनी मेरी जिम्मेदारी उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, फटाफट कमेंट करिएगा सभी लोग, यह मूलतः ग्रामीण परिदृश्य पर होता है, इसमें गाना और नृत्य दोनों होता है, यक्षगान में क्या क्या होता है, गायन भी होता है और नृत्य भी होता है, याद रखिएगा, यहां से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें जो गीत होता है इसे आत्मा माना जाता है, क्या मानते हैं, संगीत को इसमें आत्मा माना जाता है, और इसमें कन्नड़
के जो पौराणिक हिंदू महाकाव्यों से संबंधित होते हैं। इसलिए यक्षगान कहाँ का होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, यह पिछली बार का पूछा प्रश्न है। सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर शिक्षक बनने का सपना सा जो है ना, ऐसे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है जी। इसका उत्तर होगा कर्नाटक। तमिलनाडु में क्या होगा, भरतनाट्यम, रट्टा मार दीजिएगा, क्लियर। ओडिशा का ओडिशी होगा, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है, क्लियर। चारों विकल्प की व्याख्या करने वाला एक चैनल है इलनी बिदुर्गे, जहां पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में निशुल्क पढ़ाता हूं। 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिएगा, क्लियर। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है, निम्न में से किस देश में रामायण के नृत्य के रूप निर्धारित करती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, जिसे कहा जाता है रामायण नृत्य के रूप में निर्धारित करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे वहां के लोग रामकीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, रामकीन, किस नाम से जानते हैं, रामकीन के नाम से जानते हैं। और यहां जो खून के नित्य अभिनय का मिश्रण होता है, इसमें क्या होता है, इसमें खून, किसका खून, कौन सा खून में नित्य अभिनय का मिश्रण होता है। और ये चरित्र जो होता है ये रामायण के महाकाव्य भी होते हैं। इसका उत्तर थाईलैंड होगा, एकदम सही जवाब थाईलैंड इस प्रश्न का सही जवाब है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर थाईलैंड दिया है उन सभी का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर थाईलैंड होगा। माने रामायण के रूप में किसमें, थाईलैंड में क्या होता है, नित्य है। दक्षिण पूर्व एशिया थाईलैंड में रामायण साहित्यिक परंपरा के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर रामकीन नाम से आज भी क्या होता है, रामलीला का, रामायण का आयोजन होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, थाईलैंड होगा। कुछ लोग इंडोनेशिया बता रहे हैं, मेरी बात को गौर करिएगा। रामायण का नित्य रूप में, ध्यान दीजिएगा, नित्य के रूप में, रामलीला के रूप में नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे नित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न को भली भांति देखिएगा, नित्य के रूप में न कि रामलीला के रूप में। नित्य का मतलब खोन में नित्य अभिनय का मिश्रण होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर थाईलैंड होगा, ना कि इंडोनेशिया होगा, ना कि क्या होगा, इंडोनेशिया। इसलिए प्रश्न का उत्तर बी होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। नाट्यशास्त्र जो हिंदू क्लासिक नृत्य का अहम नजरिया है, ये किसने लिखा है, ये एक नंबर फिक्स है आपके विविध के पाठ्यक्रम में। सभी साथी फटाफट पता है, नाट्यशास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिक नृत्य का अहम जरिया है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने भी इस वीडियो को भावी शिक्षक शिक्षिका हैं, उन सभी से निवेदन है कि भैया वीडियो का जवाब दीजिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर किए हैं, लाइक किए हैं, उन सभी के दामन में अगली भर्ती में एक नौकरी का पद जरूर होगा। नाट्य शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नाट्य शास्त्र में ये पुराना ग्रंथ भी है जिसे नाट्य शास्त्र के नाम से जानते हैं, भरत मुनि। बहुत ही सही जवाब, वाह वाह दोस्तों, वारे साथियों, मजा आ गया। ईश्वर करे आपको नौकरी आपके कदमों में हो, एक भी प्रश्न गलत ना हो। जी हाँ, इसके रचयिता भरत मुनि है, भरत मुनि नाट्य शास्त्र एकदम सही जवाब है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई, बहुत ही बहुत धन्यवाद आप सबको, कितना बहुत पढ़ते हैं यार आप लोग। अगला है, संयुक्ता प्राणग्रही किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक है। अब बताइए इनके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि इन्हें 1975 में पद्मश्री, 1976 में संगीत कला अकादमी पुरस्कार मिला था। किसे, संयुक्ता जो प्राणग्रही है, इन्हें 1976 में क्या मिला था, संगीत कला अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था, संगीत कला अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें, ठीक है। इसलिए इसको बार बार पूछ सकता है। जी हाँ साथियों, 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिए अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, तब ये विविध का पाठ्यक्रम है जहां पे हम 50 नंबर की तैयारी आपको कराएंगे, अलार्म लगा लीजिएगा। इनका नाम है, ये ओडिशी के प्रतिपादक हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। इन्होंने शास्त्र नृत्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें 1975 में क्या मिला था, इन्हें पद्मश्री मिला था,
कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म श्री भी मिला था और 76 में संगीत कला अकादमी पुरस्कार मिला था। इसलिए आपके परीक्षा में पूछा गया, इस प्रश्न का उत्तर ओडिशी होगा, 20 का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मोहिनीअट्टम, बहुत ही सरल प्रश्न है, ऊपर मैंने पढ़ाया था, अगर किसी ने गलत किया इसको दंडित किया जाएगा। सभी साथी बताएं मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? सभी साथी लोग इस वीडियो को जो भी लाइव देख रहे हैं सभी फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे। सभी साथी देखिए, इस नृत्य में शिव भस्मासुर की कहानी है। मोहिनीअट्टम नृत्य में शिव व भस्मासुर, रट्टा मार दीजिएगा कि इसमें शिव और भस्मासुर की कहानी है, यह कहानी वाला नृत्य है। जी हाँ, और यह ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को बताता है। और यह कहाँ में है? एकदम सही बताया, यह केरल में है, मोहिनीअट्टम। जी हाँ, एकदम राइट आंसर है। कर्नाटक का मैंने पढ़ाया यक्षगान, तमिलनाडु को मैंने पढ़ाया भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ये सारे नृत्य मैंने ऊपर पढ़ाए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो के प्रारंभ में जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। और इसमें कौन भस्मासुर कह रहा है कि मैं भस्मासुर हूँ? भैया आप भस्मासुर नहीं है, आपके पापा भस्मासुर होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भाखड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आप लोगों ने देखा होगा, ठीक, बताइए फटाफट कमेंट करके, भाखड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि भाखड़ा किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए भैया, सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है आपको, इतना देरी मत करिएगा, क्योंकि यहां से परीक्षा में आ जाए तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। भाखड़ा गिद्दा कहाँ का नृत्य है? देखिए भाखड़ा जो है ये पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और ये भांग का प्रयोग, रबी की जो फसल कटाई होती है, जब ध्यान दीजिएगा रबी की, इस बात को याद रखिएगा, ये रबी की फसल की कटाई, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जब यार रबी की फसल की कटाई होती है तो यहाँ पे होली मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली मनाया जाता है। और इसी समय होली के समय यहाँ पर एक भाखड़ा नृत्य कला, ठीक है, ये दक्षिणी पंजाब के मुल्तान क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे? मुल्तान क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ पर पेय पदार्थ मिलाया जाता है, कहाँ पे? शैव मतानुयायियों द्वारा पेय पदार्थ मिलाकर फिर पिया जाता है। इसलिए ये रबी की फसल की कटाई होने पर ये भाखड़ा नृत्य पंजाब में होता है। क्लियर हो गया? क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, जरा फटाफट कॉमेंट करिए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। भैया समझ में आ गया, गिद्दा भी पंजाब का है, लेकिन ये रबी की फसल कटाई होती किस समय होती है? उस समय होली का त्यौहार होता है। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के समक्ष मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कौन सा? पंजाब का भाखड़ा, पंजाबी भाखड़ा। बाकी हर त्यौहार पर कोई ना कोई नृत्य प्रसिद्ध है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंद्राणी रहमान किस नृत्य से संबंधित है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। हाँ, ये बैसाखी का पर्व, देखिए होली के पर्व को बैसाखी का पर्व कहा जाता है, इसमें पुरुष नृत्य करते हैं। देखिए भाई, आपको नृत्य नहीं आती, इंद्राणी रहमान किस नृत्य से हैं? फटाफट कमेंट करिएगा सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये ओडिशी होगा, गलत या सही प्रश्न का जवाब देना चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, सरकारी शिक्षक बनने के लिए छाऊ, छाऊ किस राज्य का नृत्य है? फटाफट कमेंट करिएगा, छाऊ किस राज्य का नृत्य है? ये ऊपर मैंने पढ़ाई दिया है तो जल्दी से फटाफट बताइएगा। देखिए असम की पूछेगा तो बिहू है, ये आपको जानते हैं। ओडिशी का पूछेगा, ओडिशी है, क्या है? ओडिशी होगा, ठीक है, यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी ना, ओडिशी होगी। कर्नाटक का पूछेगा तो यक्षगान होगा। बच्चा क्या भैया? आप कहेंगे सर क्या बच्चा, ठीक। फिर छत्तीसगढ़ की है,
कौन सी गाड़ी है? यहाँ पर होगा ओडिशा में ही छाऊ भी है, ओडिशा में ही क्या है? छाऊ भी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। अब छत्तीसगढ़ का कोई लोक नृत्य हो जरा कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ का क्या है, क्योंकि क्या एक राज्य का एक से अधिक नृत्य नहीं हो सकता? जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे रासलीला है, रामलीला है, नौटंकी है और कथक भी है। उसी तरह इस परीक्षा में छाऊ छाऊ जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है, जरा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य बताइए। सभी लोग बताएं। देखिए छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, हमारा उद्देश्य आपको याद करना है। देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां का जो पारंपरिक नृत्य है उसे क्या कहते हैं? थपटी है, क्या है? केंडी है, दुर्ला है, वहां की प्रमुख नृत्य है ये। कर्मा है, यहाँ की प्रसिद्ध है कर्मा, छत्तीसगढ़ी क्या है? कर्मा बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी है ये। ठीक, हम आगे बढ़ रहे प्रश्न की तरफ। कर्मा ये उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है, मैं आगे बढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश स्पेशल, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। बाउल ये गायकों का के साथ कौन सी भारतीय प्रदेश संबंधित है? सभी लोग बताएं बाउल गायकों के साथ। सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करें और इस प्रश्न का जवाब देंगे। बाउल, देखिए क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हैं ना? जितने लोग लाइव देख रहे हैं, वीडियो को बाद में देखते हैं, सभी लाइक करने के बाद शेयर जरूर करिएगा। 9:30 बजे फ्री चलती है। एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में, राष्ट्रहित में, देशहित में मैं आपको निःशुल्क पढ़ाता हूँ। अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए यार, आप लोग इतनी संख्या लाइक नहीं कर रहे हैं। देखिए बाउल अगर हम बात करते हैं, बाउल माने कटोरा होता है। क्या होता है? बाउल माने कटोरा होता है। और ये पश्चिम बंगाल, ये लोक गायन कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल होते हैं, ये दो धर्मों के लोग होते हैं, हिंदू प्लस मुस्लिम, ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा, हिंदू प्लस मुसलमान, ठीक है, यहां पर मुसलमान दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं बाउल के गायकों में। क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूं। धन्यवाद जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया, ईश्वर करे वो जल्दी से सीट शिक्षक भर्ती का रिजर्व करें। अगला प्रश्न है आपका, नागकरण का अहम नृत्य है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, इलर्निंग विद दुर्गेश पे निशुल्क क्लास आपको मिल रही है, जुड़े रहिएगा। नागकरण कहाँ का नृत्य है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ये किस जनजाति का है? जेंतिया, गारो, खासी, नागमा, खासिया, कहाँ की है? तो यह कहाँ की है? नागकरम नृत्य खासी जनजातियों की है, कहाँ की? खासी जनजातियों की, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। अगला है, मल्लिका साराभाई किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मल्लिका साराभाई किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दे, गलत है सही सभी को जवाब देना है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। विद्या माई कसम, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करिएगा यार, आप लोग बच्चों की तरह जुड़ना चाहिए। आप प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे तो बच्चे ना बनेंगे, बच्चे कहते हैं ना विद्या माई कसम, ठीक है, चोट लग जाती है तो कहते हैं खुनुमा मट्टी लगा लेते, कहते हैं ना खुनुमा मरजो मटिया जीजो, आपने सुना होगा बच्चों की बात। चलिए मल्लिका साराभाई, जो मल्लिका साराभाई है ये भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से है। देखिए कथकली कहाँ की है? ये केरल का है, ठीक। कथक कहाँ का है? ये उत्तर भारत का है, कहाँ का है? उत्तर भारत का। ओडिशी कहाँ का है? ओडिशा का है, कहाँ का है? ओडिशा का है। भरतनाट्यम कहाँ का है जवाब दीजिएगा, मैंने बताया है, ठीक है, ये भरतनाट्यम का है। अगर इसमें कुचिपुड़ी होता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कुचिपुड़ी होता कि सर कुचिपुड़ी अगर आप विकल्प में होता तो कुचिपुड़ी भी होता। देखिए विक्रम साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम दोनों की हैं, ठीक है, ये विक्रम साराभाई की पुत्री है, ये विक्रम साराभाई की पुत्री भी है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? एकदम सरल प्रश्न आपके सामने है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फटाफट कमेंट करिए यार, ये तो मैंने कई बार बताया है।
बताइए कितनी बार हमने पढ़ाया है, कल कौन सा विषय शुरू करें वो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज विविध का पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गया, केवल करंट बचा है, करंट मैं आपको जल्दी करा दूंगा। जी हाँ, करंट की जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगी। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है यार, क्या गजब का सवाल है, असम। जी हाँ, असम यहाँ का है, ठीक है। कली गोपाल कहाँ का लोक नृत्य है जरा बताइएगा, कली गोपाल। तो कली गोपाल कहां का लोक नृत्य, फटाफट कमेंट करिए। देखिए, कली गोपाल जो है वो असम का लोक नृत्य है। कहां का है? असम का लोक नृत्य है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर 5 नंबर कंप्यूटर पढ़ा दीजिए, ठीक है। हाँ, करंट भी जल्दी चलेगा आपको, करंट के लिए तैयार, एकदम परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए आगे, कली गोपाल भी कहाँ की? असम की है। हम लोग कैसे याद करते हैं? असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई। कली गोपाल कहाँ का हो गया? असम का हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की नृत्य कौन सी है? फटाफट सभी लोग कमेंट करें, सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे। दक्षिण भारत की लोक नृत्य कौन सी नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, तो कमेंट करके ना बताइए कौन सी दक्षिण भारत की लोक नृत्य नहीं है। मैंने ऊपर बताया, अगर अब नहीं बता पाएंगे तो मेरा पढ़ाना बेकार है, अगर आज आपने नहीं बताया। जी हाँ साथियों, जुड़े रहिएगा ऑनलाइन के लिए। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस पे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। ये जौनपुर जनपद से क्लास चलती है, प्रतिदिन लाइव चलती है, और ये फ्री क्लास मेरे द्वारा आपको राष्ट्रीय तो देशित के रूप में दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर जोड़ सकते हैं। दक्षिण भारत की लोक नृत्य कौन सी है? ये कुचिपुड़ी कहाँ की है? मैंने आपको बताया था, ये आंध्र प्रदेश की है। यक्षगान कहाँ की है? कर्नाटक की है, ठीक। मोहिनीअट्टम कहाँ की है? केरल की है। कथक कहाँ की है? ये है उत्तर भारत। और ये दक्षिण भारत पूछा है, इसका मतलब जो गलत है वही सही है। बारे साथियों, बारे दोस्तों, मजा आ गया आज की क्लास में, क्योंकि आप लोगों ने एकदम अच्छे से देख लिया, ठीक है। बहुत ही बार बार देखिएगा इस वीडियो को, जितनी बार हो सके एकदम रट्टा मारिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आपको शिक्षक भर्ती में चयन जरूर होगा, ठीक है। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, यक्षगान यही दक्षिण भारत का लिखते नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, जो गलत है वही सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति मूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? ये रटा रटाया प्रश्न है। एक बात पता है, अगर इस क्लास को एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो एक फायदा होगा, हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, यकीनन विश्वास करिए। जो सिलेक्ट हुए हैं पिछली भर्ती में, उनसे एक बार पूछिए, क्या आप इलनी भी दुर्गेश को जानते हैं? क्या आपने कभी दुर्गेश सर से पढ़ा है? कहेंगे विविध उनका हूबहू पढ़ाया आता है मैंने। जी हाँ बताइए, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? बहुत सही, 500 की संख्या हो गई। आप सभी को मुबारक हो, इलनी भी दुर्गेश परिवार बढ़ रहा है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 9:30 बजे ऐतिहासिक क्लास चलेगी, ऐसे ही संख्या बढ़ाए रहिएगा। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद यार, बढ़ा तो दीजिए, 500 की संख्या हो गई, लाइक भी 500 कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना थी? काफी मजेदार प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न ऊपर मैंने बताया था, ये कुचिपुड़ी की भी थी और भरतनाट्यम की थी, इसलिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि यहां पर दोनों है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अगर इन दोनों में से किसी एक को चयन करना होगा तो पहले नंबर इसको रखेंगे और दूसरे नंबर पर इसको रखेंगे, लेकिन दोनों सही है। कौन? ए और बी दोनों है, एक नंबर पर भरतनाट्यम, दो नंबर पर कुचिपुड़ी, लेकिन ये दोनों है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आपको? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब परीक्षा में हूबहू प्रश्न आता है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9:30 बजे से पोंगल त्योहार किस माह से मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ साथियों, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, घूमर जो होता है वो महिला नृत्य होता है, याद रखिएगा।
पोंगल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉपी कलम लेकर बैठे हैं। चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप भी पढ़ लेंगे। चलिए भारत की मैप बना के आपको जब समझाते हैं ना, तो पता है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपके और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा तो भारत नहीं बन रहा यार। चलिए हमारा भारत हो गया। अब यहां पे देखिए कई चीजें आपको की पॉइंट मिलेगी, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि पोंगल त्योहार, जो पोंगल त्योहार है ये फसली त्योहार है और ये कहां मनाया जाता है? ये पोंगल त्योहार यहां मनाया जाता है। कहां पर? पोंगल जो है तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, शायद आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए अभी। ये मैं लिख रहा हूं पोंगल कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहां पे? तमिलनाडु मनाया जाता है। तमिलनाडु कहां पे? यहां पर है। किस समय मनाया जाता है? ये त्योहारी है इसलिए इसे जनवरी माह में, इसे खिचड़ी का त्यौहार, मकर संक्रांति के त्यौहार समय मनाया जाता है। ये कौन सा? जी हाँ, अगर उत्तर भारत में बात की जाए, उत्तर भारत में तो पोंगल के त्यौहार किस नाम से जानते हैं पता है? लोहड़ी। कौन सा? लोहड़ी का त्यौहार। असम में भोगली। देखिए असम में क्या कहते हैं इसे? असम इस त्यौहार को बिहू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहू। लेकिन एक नाम इसे और है, बिहू है और भोगी, भोगी भी कहते हैं असम में। क्या कहते हैं? भोगी कहते हैं। ये सभी किसानों के द्वारा किस माह में मनाया जाता है? ये जनवरी माह में ये किसानों द्वारा मनाया जाता है। किस माह में? जनवरी माह में। ये सभी त्यौहार जनवरी माह में मनाया जाता है। अगर हम अगस्त सितंबर की बात करें तो ओणम जो होता है केरल में, ध्यान दीजिएगा ओणम कहां मनाया जाता है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ओणम केरल मनाया जाता है। ये किस समय मनाया जाता है किसी को पता है? ये अगस्त सितंबर में, ये अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। किसमें? महाराजा बाली के, महाराजा या राजा बाली। अब यहां पे दूसरी कितना प्रश्न आपका तैयार हुआ, अब मैं इस प्रश्न को पूरा रिपीट करा रहा हूं, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या क्या तैयार हुआ ध्यान से देखिएगा तब शेयर करिएगा। पहले देखिएगा जो पोंगल त्योहार है इसे हमारे यहां मकर संक्रांति का त्योहार कहते हैं। कौन सा? मकर संक्रांति, संक्रांति का त्यौहार कहते हैं। यह त्यौहार जनवरी माह में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में, उत्तर भारत में से लोहड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ मकर संक्रांति भी कहते हैं, लोहड़ी का त्यौहार कहते हैं। उत्तर भारत में लोहड़ी, असम में बिहू, ये किसानों द्वारा फसल काटने पे मनाया जाता है। जबकि ओणम केरल मनाया जाता है राजा बाली के नाते अगस्त और सितंबर में। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी का? ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए 9:30 बजे प्रतिदिन एकदम लाइव चलती है और इस बात की गारंटी है सिलेक्शन आपका 100% तय है। हम वही पढ़ाएंगे जो परीक्षा में आएगा। आज विविध का आखिरी सीरीज है, इसके बाद आज विविध खत्म हो जाएगा। इस विविध को एक नहीं कई बार देखिएगा। ये जौनपुर जनपद से निःशुल्क क्लास चलती है। ठीक है, हमारे यहाँ खिचड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ भी खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं भैया। ठीक है, हमारे यहाँ भी खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं। क्लियर, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। 1000+ संख्या का टारगेट रखना है लाइव 9:30 बजे, स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सारे प्रश्न को मैंने यहां पे बता दिया। मल्लिका सारा भाई का संबंध किससे है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। मल्लिका सारा भाई, ऊपर मैंने पढ़ाया था मल्लिका सारा भाई का संबंध किससे है? ये विक्रम सारा भाई की पुत्री है, मैंने ऊपर बताया था। यह एक नृत्यांगनी है और इस प्रश्न का उत्तर ये शास्त्रीय नृत्य से है, ऊपर हमने पढ़ा दिया था। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, अब आते हैं कुछ प्रमुख चीजें पढ़ लेते हैं। जो मधुबनी चित्रकला है ये भारतीय चित्रकला की शैली है, ये भारत के मिथिला क्षेत्र से है। मिथिला क्षेत्र क्या है? जनक। जनक कहाँ पे है? जो सीता, माता सीता। जनक कौन थे? सीता के पिता, सीता के पिता थे। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा ये मधुबनी कहां पर है सभी साथी। जी हाँ, एकदम निशुल्क चलता है 9:30 बजे से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव फ्री क्लास आपके लिए। आप
टेलीग्राम पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके जुड़ जाइएगा फ्री क्लास के लिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बिहार। देखिए बिहार राज्य मिथिला क्षेत्र है, कौन सा मिथिला क्षेत्र है, और उसी मिथिला क्षेत्र में जी हाँ यहाँ पर एक पेंटिंग है जिसे मधुबनी चित्रकला कहते हैं और ये बहुत ही प्रचलित है। इसमें त्योहार में बनाए जाते हैं चावल के दानों से, किसके चावल के दानों से। और क्या होता है जरा कमेंट करके बताइए कि मधुबनी चित्रकला कैसे बनाई जाती है, जब भी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें मधुबनी चित्रकला कैसे बनाई जाती है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, चावल के दाने के अलावा क्या होता है जरूर से कमेंट करिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अच्छा पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य की लोक नृत्य है। अभी हाल ही में पुलिकल्ली, अभी जलीकट्टू आपने सुना होगा, जलीकट्टू, तो जलीकट्टू का संबंध कहां से कमेंट करके बताइएगा। पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था वो किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, ठीक है सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हां ये केरल का है, कहां का है, केरल का है। इसी के साथ यह आज की जो महत्वपूर्ण सीरीज थी ई-लर्निंग विद दुर्गेश की विविध की आखिरी सीरीज आपकी खत्म होती है। इसके अलावा आप लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा, अगली क्लास कल से एक नई सीरीज शुरू होगी 9:30 बजे, जहां पर मैं आपको स्वयं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा चयन हो चुका है शिक्षक भर्ती 31,000 में, और मैं अपने फ्री समय में बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक इंस्टा ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। ये सभी क्लासेज फ्री होंगी, और आज हम लोगों ने नित्य भी खत्म कर दिया और आज काफी महत्वपूर्ण, जल्दी आपकी अगली सीरीज शुरू होगी। और आप लोग को ये बताना है जितने लोग लाइव देख रहे हैं कि जलीकट्टू कहां कहां है कमेंट करके बताइएगा, सभी साथियों से निवेदन है जरूर बताएंगे, ठीक है। राउफ कहां का है, सभी लोग से मैं ओरली प्रश्न पूछूंगा, और ऑनलाइन से संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। क्लास और नोट संबंधित संपूर्ण जानकारी ये जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से चलती है। अब आइए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जम्मू कश्मीर का। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि जम्मू कश्मीर का मैं एक भारत का मैप बना दूं ताकि मैं आपको जब समझाऊं तो मैं उसके बारे में बताता चलूं, एकदम अभी मैं अभी वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, भागिए मत, जिनको भागना चाहिए उनको भागने दीजिए, बाकी क्योंकि भैया रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं ना कि खेत में। बताइए मैं देखिए मुझसे सोचिए कितना भारत का मैप ही हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है ये माना भारत का मैप हो गया, कितना घटिया बना आज मैप। देखिए अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर में तो राउफ यहां पर है, यहां पे क्या है ये जम्मू कश्मीर कौन सा, अगर यहां पे देखा जाए तो राउफ लिख लीजिएगा, राउफ ये कहां का है, ये जम्मू कश्मीर का है। अगर पूछा जाए माधवी गुद्दल, यहां पे देखिएगा ओडिशा है, ध्यान दीजिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं, माधवी मुगदल, ध्यान दीजिएगा माधवी मुगदल। और यहां पर एक और है ओडिशी, ओडिशी यहाँ का भी प्रमुख नृत्य है जो परीक्षा में पूछा जाता है। गिद्दा कहाँ का है, गिद्ध या गिद्दा पंजाब का है, यहाँ पे देखिए पंजाब है, पंजाब में क्या है गिद्दा या गिद्ध है, एकदम रट्टा मार दीजिएगा। जल जट जाटिन बिहार में है, रासलीला कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रासलीला है, रासलीला रामलीला कहाँ का है, ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये कुचिपुड़ी ओडिशी मणिपुरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। रासलीला रामलीला नौटंकी ये सभी कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। घूमर कहाँ का है, राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान में क्या है घूमर है, रट्टा मार दीजिएगा, ठीक है। बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य के आचार्य, कथक के, किसके कथक के, बिरजू महाराज किसके हैं लिख लीजिएगा, ये मैंने ऊपर नहीं पढ़ाया था, बिरजू महाराज जो मुझे याद है मैं पढ़ा दे रहा हूं, बिरजू महाराज ये किसके हैं कथक के हैं, इंपॉर्टेंट है किसके हैं कथक के हैं, ठीक क्लियर हुआ।
पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य जात्रा है। देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है, जात्रा। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा जात्रा, इसका प्रमुख लोक नृत्य है। गणगौर राजस्थान का है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, बिहू कहाँ का है, बिहू रंगाली या बोहक बिहलू वहां पे है। भारतीय शिवाजी, सभी साथी जरा बताइए, आप लोग क्लियर ही नहीं करते हैं, बताइए आप लोग बताइए, नित्य पे एकदम शांत हो जाते हैं। चलिए मैंने आपको पूरा देखिए, पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, मकर संक्रांति हमारे यहाँ पोंगल के रूप में मनाए जाते हैं, वैसाखी पंजाब में, ध्यान दीजिएगा वैसाखी का त्यौहार पंजाब में, चित्रा पौर्णमी मदुरै में मनाया जाता है, बिहू असम में, लोसांग सिक्किम मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा लोसांग का त्यौहार, लोसांग का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है लिख लीजिएगा। जी हाँ, जितने लोग नोट्स बना रहे हैं वो सभी लिख लेंगे, ये सीटेट में सुपर टेट में हूबहू पूछा जाएगा, ठीक है। सिक्किम में ओणम कहाँ मनाया जाता है, सभी साथी बताइए ओणम का पर्व कहाँ मनाया जाता है, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया केरल में मनाया जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जानते रहिएगा। बुद्ध पूर्णिमा को महायानी मूर्ति की पूजा होती है, ठीक, ये सब जानते रहिएगा। हिरण्यकश्यप के नाम पे होली का त्यौहार मनाया जाता है, हाँ रट लीजिएगा भैया, आपको सिलेक्शन लेना है और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। वृंदावन का संबंध भगवान कृष्ण से है, अमरनाथ कश्मीर में है, हरिहरनाथ सोनपुर में है, हरि मंदिर पटना में है, मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है, बरसूरपुर जिले में है, याद रखिएगा एकदम रट्टा मार दीजिएगा। हाँ, होली का त्यौहार पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो जरूर देखिए। रथ यात्रा का त्यौहार पूरी मनाया जाता है, रथ यात्रा का त्यौहार पूरी में मनाया जाता है, ये रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे। छठ का त्यौहार का संबंध किससे है, छठ पूजा किस देवता को समर्पित है, छठ पूजा किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है, और ये कहां का त्यौहार है, छठ पूजा किस राज्य का त्यौहार है, कमेंट करके बताइएगा। महाकाल मंदिर उज्जैन में है, जी हाँ एकदम, सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि देखिए मलयालम केरल की भाषा है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है, कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला जम्मू कश्मीर में जलाया जाता है, हाँ पोगोंडा बौद्ध मंदिर है, पैगोडा याद रखिएगा, मैगोडा कौन सा मंदिर है लिख लिए, विविध का है क्योंकि आज आखिरी दिन, इसलिए मैं पूरा जितना मुझे याद है मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। ये आप लोग तैयार करिए यार, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, और आप लोग नहीं लेंगे तो कौन लेगा मालिक, आप लोग इतनी मेहनती है और आप लोग लगातार अपना बेहतर दे रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग पद्मश्री देवी संबंधित है, रथ यात्रा पूरी, भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है, तमिल भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषा है भारत की, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तमिल है, याद रखिए कौन सी भाषा है, तमिल भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। किसी कोई दिक्कत कोई समस्या तो भैया पूछिए मालिक, नौकरी ना करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है। चलिए देखिए महाराष्ट्र का कोई लोक नृत्य बताइए कमेंट करके सभी साथी फटाफट, महाराष्ट्र का लोक नृत्य, गुजरात का लोक नृत्य कमेंट करिएगा, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजहन से चल रही है। अब आप लोग से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज विविध का प्रश्न खत्म हुआ, कल हमें 50 नंबर की अगली सीरीज शुरू करना है। आप वीडियो खत्म होने के बाद एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपके अनुसार किस विषय की क्लास शुरू करूं, ये आपको बताना है। ऐसे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र या साइंस, मैथ, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ये कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है, मेरा उद्देश्य आपको नौकरी दिलाना है, और आपकी मेहनत आपके माता पिता का आशीर्वाद रहेगा। या कंप्यूटर, आपको नौकरी जरूर मिलेगी, 5 नंबर कंप्यूटर में आता है, अगर आप लोग इलेनी भी दुर्गेश पर जुड़े निःशुल्क क्लास में। छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है फटाफट कमेंट करिए।
वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखिए कमेंट क्लास खत्म होने के बाद दीजिएगा ताकि वहां पे कमेंट सब एक दूसरे का देख सके, और सभी साथी कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कल 9:30 बजे लाइव रहेंगे सरकारी शिक्षक बनने की जो तैयारी कर रहे हैं, जरा कमेंट करके बताएं कितने लोग हैं जो कल 9:30 बजे लाइव आ जाएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो 9:30 बजे लाइव आएंगे अपने सभी सारी मित्रों के साथ, ठीक है। देखिए भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है, लगभग 3000 साल पुरानी है, ठीक है। करंट अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मैंने आपको पहले बताया हफ्ते में 2 दिन करंट पढ़ाऊंगा, सैटरडे और संडे, वो मैं आपको जल्दी ऐलान कर दूंगा, सैटरडे संडे को चलेगा केवल करंट। हाँ, बिहार से छठ पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, वीडियो को शेयर करिएगा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने इस वीडियो को अंत तक बने रहे, ईश्वर करे आप सभी लोग, क्योंकि अपने माता पिता को उम्मीद है, हमने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाई है, तो जितने लोग लाइव हैं वे सभी वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। भारत का भूगोल, मैं भारत जो भी आप कहेंगे मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि भारत के भूगोल से 5 प्रश्न आते हैं, 9:30 बजे एकदम लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, इतनी मेहनत से अगर आप पढ़ाते तो क्या करते हैं, तो आप भी नहीं यही करते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी साथी फटाफट बताइएगा, डांडिया नृत्य गुजरात का सही जवाब है आपका, और जिस जनपद में है अपने गांव घर सभी को शेयर करिएगा, कल एक नई सीरीज का आगाज होगी और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल से क्लास किसकी चलेगी वो आपको जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम पे सूचना दे देंगे, कितने लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इलर्निंग विद दुर्गेश, और इंस्टाग्राम पे मेरी खुद है दुर्गेश सर, वहां पे भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर करे आप सभी लोग शिक्षक शिक्षिका बने। रीजनिंग टीजीटी ठीक है, ठीक है, मैं ये भी पढ़ा दूंगा, रीजनिंग भी मैं पढ़ा दूंगा, पहले एक एक कॉन्सेप्ट, जैसे आज आपका 30 नंबर क्लियर हो गया, करंट को छोड़ दिया जाए आज आपका विविध खत्म, इसके बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। सारी वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, आप लोग जो कहेंगे वो शुरू होगा, इससे ज्यादा आपके विविध आपके सुपर टेट के सिलेबस में नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ होगा तो जो ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा, इसके बाहर जो होगा वो आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, और कोई सवाल आपके मन में हो तो पूछ लीजिएगा। अंत आप चलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है जितने लोगों ने मेहनत से पढ़ा है, ईश्वर करे अगले शिक्षक भर्ती में उनका एक पद फिक्स हो जाए और उनके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय, ठीक चलते हैं तब, जय हिंद।